नमस्कार साथियों। तो चलिए, ये एडिटोरियल है हमारा सबरीमाला मंदिर से संबंधित। अभी जो फैसला आया है उसी से संबंधित। वर्जनाओं का जोड़ घटाओ महिलाओं के हिस्से में क्यों? सबरीमाला मंदिर में महिलाएं प्रवेश करें या नहीं, यह फैसला अब सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों वाली बेंच करेगी। 10 से 50 साल की उम्र वाली महिलाओं के सबरीमाला में प्रवेश पर पाबंदी है। इसी के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में है। अभी तक सुनवाई 5 जजों की बेंच कर रही थी। मामला महिलाओं से जुड़ी वर्जनाओं का है, इसलिए सबसे पहले सवाल यही आता है कि क्या वर्जनाओं का जोड़ घटाव और सारा हिसाब किताब सिर्फ महिलाओं के से लिखा गया है? क्या संविधान मंदिरों या फिर किसी भी धार्मिक स्थल पर प्रवेश के लिए महिलाओं को समान अधिकार नहीं देता है? जब देश का संविधान महिलाओं को किसी धार्मिक अधिकार से वंचित नहीं रखता, तब किसी भी और तरीके से कानून के आधार पर उसे रोका जाना कहाँ तक सही है? गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट सबरीमाला के केस के साथ महिलाओं से जुड़े अन्य मामलों का भी जिक्र किया गया है, जिसमें मस्जिद दरगाह में महिलाओं का प्रवेश और अग्नियारी में किसी गैर फारसी फारसी महिला की एंट्री और बोहरा बेटियों के खतने की कुप्रथा भी शामिल है। कोर्ट का कहना है कि एक बड़ी बेंच ही इन सारे मसलों को देख पाएगी, लेकिन क्या जरूरी यह नहीं है कि महिलाओं के अधिकार से जुड़े इस मसले को समाज और लोग कोर्ट कचहरियों से हटकर बड़े दिल खुले दिमाग के साथ समझें? बराबरी और आधुनिकता की बातें और दावे करने वाले इन कुप्रथाओं का विरोध करें। क्या कारण है कि पुरुषों पर पाबंदी का जिक्र या मसला कभी नहीं सुनने को मिलता है, जिसके बाद समाज और लोगों से ने लड़कर कई महिलाओं ने सबरीमाला में घुसने की हिम्मत दिखाई? पिछले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह की रोक नहीं लगाई है, यानी अगला फैसला आने तक महिलाएं सबरीमाला जाती रहेंगी। अगले कुछ दिन में वहां बड़े उत्सव हैं, उस दौरान महिलाएं मंदिर जाने की कोशिश करेंगी। उन्हें रोकने के भरसक प्रयास होंगे, लेकिन इस खींचतान के बीच नुकसान होगा और उस धार्मिक भावना जो महिलाओं को देवी कहती हैं या मानती हैं, लेकिन किसी अनिवार्य और प्रकृति पर निर्भर शारीरिक प्रक्रियाओं के चलते उनका मंदिर में घुसना उन्हें नागवार क्यों है? तो चलिए, ये था हमारा सबरीमाला पे आधारित एक एडिटोरियल।